लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, क्योंकि कल एक साथ राजस्थान के कई दिग्गज कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं और कमल थामते वो नजर आएंगे। हालांकि ये नाम पहले से ही चर्चा में चल रहे थे, लेकिन कल का वो दिन है जब वाकई में औपचारिक रूप से दल बदल हो जाएगा। कल सुबह 11 बजे शामिल हो रहे हैं भाजपा में लालचंद कटारिया। भाजपा में शामिल होंगे अन्य नाम, जिसमें हैं राजेंद्र यादव, ऋजपाल मिर्दा, विजयपाल मिर्दा, सुरेश चौधरी, खिलाड़ी लाल बैरवा, आलोक बेनीवाल की भी भाजपा में एंट्री हो रही है, और साथ ही कई जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और सरपंच भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। उधर राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी दिग्गज नेता छोड़ रहे हैं कांग्रेस का साथ। इस नए ज्वालामान से फिर खड़े हुए कांग्रेस आलाकमान पर सवाल, आखिर क्यों हो रहा है पुराने कांग्रेसियों का पार्टी से मोहभंग? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं है, ये बार बार हो रहा है, और ऐसे में कांग्रेस को अब मंथन करने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये कि पुराने कांग्रेसियों का ही कांग्रेस से मोहभंग क्यों हो रहा है और ये कहां जाकर रुकेगा लगातार कांग्रेस पार्टी का ये डैमेज? क्या डैमेज कंट्रोल नहीं कर रही है कांग्रेस? आखिर मंथन क्यों नहीं हो रहा और जाने वाले को आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अचानक सब कुछ हो गया। जो नाराजगी चल रही है दिग्गज नेताओं की, कांग्रेसियों की, पुराने कांग्रेसियों की, आखिर उन्हें मनाया क्यों नहीं जा रहा, आखिर रोका क्यों नहीं जा रहा? फिलहाल लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव या फिर किसी भी चुनावों से पहले इस तरह से दल बदल होता रहता है। देखने वाली बात होगी कि अब इसका कितना फायदा इन नेताओं को या फिर भाजपा को इन चुनावों में होता नजर आएगा। लालचंद कटारिया भी भाजपा में शामिल होंगे, खिलाड़ी लाल बैरवा भी, इसके अलावा राजेंद्र यादव भी, सभी तमाम बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, और ऐसे में जब अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं तो इसके कई तरह के सियासी मायने हैं। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा कांग्रेस पर खड़े हो रहे हैं। ये सभी पुराने कांग्रेसी, सभी तमाम दिग्गज नेता, अगर उनका मोहभंग पार्टी से हो रहा है तो ये तो नहीं है कि अचानक ही उनका मोहभंग हो गया है या अचानक नाराजगी आ गई या फिर अचानक उन्होंने फैसला कर लिया। आखिर क्यों उनकी सुनी नहीं गई, आखिर क्यों इनकी नाराजगी दूर नहीं की गई? खैर जो भी हो, औपचारिक रूप से कल इसका ऐलान, औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल हो जाएंगे, बीजेपी में हो जाएंगे। अब किस उद्देश्य से ये सभी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इसी तरह की बातें सामने आती है जब सवाल किया जाता है एक पार्टी छोड़कर जब दूसरी पार्टी में जाता है कि आखिर आपने ये फैसला क्यों किया, तो फिर जवाब मिलता है कि हम विचारधारा से प्रभावित थे या फिर हम किसी पद की लालसा के लिए नहीं आए हैं। लेकिन ये सब क्या संभव है? क्या बिना किसी पद की लालसा से कोई दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होता है? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यह भी कहा जा सकता है कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, लेकिन चुनावों से पहले इस तरीके की जब प्रक्रिया होती है तो उसकी कई सियासी मायने निकाले जाते हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और डैमेज जो हुआ है, क्या उस डैमेज को कंट्रोल अब कांग्रेस करती नजर आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इससे पहले भी कई दिग्गज भाजपा में शामिल हो चुके हैं और ये कवायद लगातार जारी है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, नाम वो है जिस पर लगातार फर्स्ट इंडिया खबर भी चला रहा था कि कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये कयास कल दूर हो जाएंगे, असमंजस की स्थिति साफ हो जाएगी। सवाल कई सारे हैं, लेकिन कांग्रेस इस डैमेज को क्या कंट्रोल कर पाएगी? कई सारे सवाल पूनम हम आपके यहाँ पर पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये, चाहे सर आप लालचंद कटारिया का जिक्र करें, ऋजपाल मिर्धा का जिक्र करें, विजयपाल मिर्धा का जिक्र करें, तमाम वो नाम गुजरात समुदाय से हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर आज से नहीं, विधानसभा चुनाव से जी। और देखिए, नागौर जो गढ़ है जाटों का, वो इलाका, वहां से ज्योति मिर्धा को टिकट दे दी गई है, लेकिन जयपुर ग्रामीण अभी होल्ड पर है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जाट समुदाय को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी और भी बहुत कुछ करने वाली। हालांकि जाहिर तौर पे ऐसी स्थिति में जब हमने दिल्ली में संपर्क करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसे 50-50 बताया, ये भी इशारा दिया कि हाँ, लंबे समय से बात चल रही है, किसी कारणवश उसे होल्ड कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दें, कहीं ना कहीं
अभी 16 तारीख को आचार संहिता लगेगी, उससे पहले चाहे फिर पंजाब के साथ अलायंस की बात हो, तमाम और दूसरे राज्यों के नेता हो, आप देखिए रोज कोई ना कोई केरला से अलग अलग ज्वाइनिंग हो रही है, कर्नाटक से, वैसे ही राजस्थान में वैसे बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है। यहाँ तक कि सूत्रों का ये मानना है कि न सिर्फ कटारिया जी अलावा भी दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में शामिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि अभी दूसरे सूची का इंतजार राजस्थान में भाजपा के लिए हो रहा है, वो अभी फिलहाल रोकी गई है क्योंकि कई और चेहरे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो अदिति कितना कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं, दर्शक ये फर्स्ट इंडिया के बात जानते हैं, और इस बात को लेकर हम कब से कयास भी लगा रहे हैं और अब ये फाइनली होने वाला, लेकिन कांग्रेस आखिर क्यों उसे इस बात की जानकारी नहीं होती है? मोह भंग इतना हो रहा है पुराने कांग्रेसियों का, लेकिन फिर भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं, नाराजगी दूर करने की कोशिश, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? क्योंकि इसका कोई फायदा तो नहीं, अगर है भी है तो देखिए शायद कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी की यही सोच है कि एक बार जिसको जाना है वो जाए, अगर वो आज नहीं जाएगा तो वो कभी और जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब हम कांग्रेस से ये सवाल पूछते हैं तो राहुल गांधी के हवाले से यही बात आती है कि जिसको जाना है वो एक बार में चला जाए, जिससे कि अब जो बची हुई कांग्रेस है उस पर और इसके साथ से संगठन खड़ा किया जाए। ये बात सही है कि आप देखिए कैसे महेंद्र जी से मालवीय चले गए, उनके टिकट भी अनाउंस हो गई, और अभी फिलहाल जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है उसका एक मुख्य उद्देश्य है सत्ता में बने रहना अगले 5 साल अगले 10 साल। ऐसी स्थिति में और कांग्रेस की सबसे बड़ी इशू है संगठन की मजबूती ना होना, जो आला नेतृत्व है उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होना, और यही वजह है कि कांग्रेस के कई सारे नेता अभी अगले 10 साल अपने फ्यूचर को जीवन को सिक्योर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, ये सोचकर कि एक बार जो अगले सत्ता के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अभी 10 साल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जब अशोक चौहान महाराष्ट्र से शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और आप देखें कि किस तरीके से पीडीपी वापस से एनडीए का साथ आ सकती है, और तमाम तरीके की लंबी नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, ठीक वैसे ही राजस्थान में भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जाट समुदाय को स्ट्रॉन्ग करना कहीं ना कहीं उनका वीक पॉइंट है, जाट समुदाय आदिवासी तो उससे महेंद्र सिंह मालवीय को ले लिया, जाट समुदाय को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका इम्पैक्ट अदिति कांग्रेस और खासकर अगर हम राहुल गांधी की बात करें, उनके खास लोगों की बात करें, आने वाले समय में अगर हम भविष्य देखें तो किस तरीके से देखें, क्योंकि हर बार ये बात सामने आ जाती है कि राहुल गांधी की आइडियोलॉजी ऐसी है कि जिसको जाना है वो जाए, लेकिन कई बार बदलाव जरूरी हो जाते हैं अगर पार्टी को या फिर खुद के घर को अगर नुकसान हो रहा हो तो। बिल्कुल, देखिए सही बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में ये बात कह पाना तभी संभव होगा जब 2024 के नतीजे में भारतीय कांग्रेस के पास कितनी सीटें आती है गठबंधन के पास, लेकिन खास तौर पे कांग्रेस के पास। अब देखिए कल भूपेंद्र सरे का नाम अनाउंस कर दिया गया, भूपेंद्र सरे राजस्थान से चुनाव लड़ेंगे सांसद का, वो पूर्व सीएम रह चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में सवाल उठता है क्या कांग्रेस जीत के लिए अपने दिग्गजों को मैदान में उतार पाएगी, शायद चाहती तो है लेकिन पाएगी तो अभी संगठनात्मक डिसिप्लिन बड़े फैसले और सही में और बैठकों का दौर भी सब बेहद जरूरी है, लेकिन कई बार ये नहीं हो पाता क्योंकि राहुल गांधी अभी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई दिग्गज चेहरे अगर चुनाव में उतरे तो कहीं ना कहीं माहौल साइड में आता नजर आ सकता है, माहौल बदलता नजर आ सकता है। लेकिन आप देखें एक बार बात उठती है कि सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है रायबरेली से, राहुल गांधी अमेठी से, फिर उसका खंडन आ जाता है, फिर राहुल गांधी का नाम वायनाड से आ जाता है, क्योंकि दिशाहीन नजर आ रही है कांग्रेस ऐसी सभी राज्यों से पॉलिटिकल लीडर्स अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए आला कमान से संपर्क नहीं साध पाते, कम्युनिकेशन गैप तो ये तो बहुत बड़ी समस्या पहले से बनी हुई है, जब इसी का ही समाधान नहीं निकला तो अभी तो और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं अदिति। बिल्कुल, तो कम्युनिकेशन गैप एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे याद है कि महेंद्र सिंह मालवीय किसी नाराजगी के चलते मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने गए और उन्होंने कहा कि एलओपी में नहीं बन पाया, मैं राज्यसभा बनना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कहा
कि या तो आप केसी वेणुगोपाल से बात करें या फिर आप राहुल गांधी से बात करें। और उसी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला लिया। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने महेंद्र सिंह मालविया को फोन करके उनको रोकने की कोशिश की तो महेंद्र सिंह मालविया ने वो बात याद दिलाई कि जब आप फैसले ही नहीं ले सकते, आप बात ही नहीं सुन सकते, तो आज आपके हक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी जो स्थिति है ये दर्शाती है कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। हालांकि लगातार सीट शेयरिंग का इंडिया गठबंधन से लेकर तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन अगर नेता ही नहीं होंगे तो संगठन कहाँ से होगा। तो कहीं ना कहीं अभी दिशाहीन नजर आ रही है कांग्रेस, कहीं ना कहीं जो वर्कर्स के अंदर जो उत्साह है वो नहीं नजर आ रहा। और ऐसी स्थिति में नेता नदारद हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि नाराजगी एकदम से तो नहीं होती है, वो तो लंबे समय से चल रही होती है और वो अंदर खाने सबको पता भी होता है। खैर, जैसे महेंद्र जीत मालवीय का आपने जिक्र किया, क्योंकि जब वो शामिल हो रहे थे पार्टी में तब पता था कि उनको क्या, उनका भविष्य क्या रहेगा। अब ऐसे ही तमाम दिग्गज है, जब इनसे सवाल किया जाएगा बीजेपी में शामिल होने के बाद या उस वक्त, तब ये कहेंगे कि हम तो विचारधारा से प्रभावित थे, कोई पद की लालसा नहीं है। लेकिन जो साफ है कि सत्ता में बने रहना ये सबसे बड़ा मकसद होता है, तो इनमें से कुछ नामों की ऐसी पुष्टि है कि आने वाले समय में वो इस पद पर या फिर राजनीति में इस तरह से सक्रिय रह सकते हैं बीजेपी में? देखिए, कटारी को तो चुनाव लड़ाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सवाल है कि विजयपाल मिर्जा या ऋषपाल मिर्जा, नागौर से ज्योति मिर्जा की टिकट फाइनल हो चुकी है और कहीं ना कहीं आपस में किसी न किसी चाहे रिलेशनशिप में, जिस तरीके से कटारिया जी विजयपाल मिर्जा जी और ऋषपाल मिर्जा जी आपस में जो रिलेशन है उनका संबंध है, ठीक वैसे ही ज्योति मिर्जा किसी दूसरे परिवार के, तो अब उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता, लेकिन उनको कोई और विकल्प जरूर दिया जाएगा। अब देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि नागौर में कांग्रेस अलायंस की तैयारी कर रही है हनुमान बेनीवाल के साथ। क्यों जरूरत पड़ी एक बार फिर से ऋषपाल मिर्जा और विजयपाल मिर्जा या कटारिया जी के नाम की? ज्योति मिर्जा विधानसभा चुनाव हार गई थी, ना वो लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको लड़ाया गया, वो लोकसभा चुनाव लड़े। अब देखिए, नागौर में कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल और पूरी कांग्रेस एक होती नजर आ रही है। और उसमें भी आपको अगर सीधे तरीके से बताएं तो हनुमान बेनीवाल, चेतन डूबी, साथ में मुकेश बाकर, फिर आप देखें तो जुजाट मेहता है डोटासरा, फिर हरीश चौधरी, ये सब हनुमान बेनीवाल के अगर साथ आते हैं, खास तौर पर जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं यूनुस खान उनका भी साथ है, ये सब अगर एक साथ आते हैं तो ज्योति मिर्जा के लिए चुनाव में काफी बड़ी टक्कर हो सकती है, कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती हो सकती है जीतने के लिए। ऐसी स्थिति में उसी इलाके के विजयपाल मिर्जा ऋषपाल मिर्जा को अपनी तरफ लाना जो कांग्रेस में है, कहीं ना कहीं वो पावर बैलेंसिंग और वोट बैलेंस की कोशिश की जा रही है। तो क्योंकि एक साथ हनुमान बेनीवाल के साथ अलायंस और साथ में पूरी कांग्रेस बेनीवाल के साथ खड़ी हो रही है ज्योति मिर्जा को हराने के लिए, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, फिर आने वाले समय में उनको उतारा भी जा सकता है मैदान में, तो जो बीजेपी के परिवार के लोग जो कहते हैं कि हम तो परिवार का हिस्सा है और जो अपनी तैयारी कर कर बैठे हैं, तो क्या उनको थोड़ा सा उनकी भी नाराज, हालांकि बीजेपी की परंपरा नहीं है नाराजगी व्यक्त करने की, लेकिन फिर भी उनको कैसे बैलेंस किया जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जेपी यादव। मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश के गुना से जेपी यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2019 के मैदान में चुनाव में उतरे और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े थे, यानी कि जेपी यादव वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और हमेशा जेपी यादव वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया रहा, दोनों ही भाजपा में आ गए, लेकिन प्रोटोकॉल की लड़ाई रही, लगातार ये लड़ाई रही कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे, क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद थे, मंत्री भी थे, तो लोकसभा सांसद वहां नहीं होते थे, उनका पोस्टर में फोटो नहीं होता था और लगातार ये लड़ाई चलती रही। लेकिन उसके बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी है आज भी, जिससे सिटिंग एमपी जेपी यादव टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दी, ये जानते हुए भी कि दोनों के बीच, यानी कि दोनों नेताओं के कार्यकर्ताओं के बीच में टकराव है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी या दूसरे मनाने के इस पूरे एपिसोड से कहीं ज्यादा आगे निकल सकती है पावर बैलेंसिंग में। हाँ, ये बात सही है कि अंदर खाने कार्यकर्ता मायूस होता है जब भारतीय नेता को टिकट दी जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह साफ कर चुके हैं कि क्राइटेरिया
विधानसभा में भी जिता उम्मीदवार था और लोकसभा में भी। और वैसे भी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का काफी कह चुके हैं कि प्रत्याशी कमल का फूल है, कोई चेहरा या कोई नाम नहीं, प्रत्याशी नरेंद्र मोदी का चेहरा है, प्रत्याशी कमल का फूल है, तो वर्कर को जिताना है। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि जिता उम्मीदवार ही इकलौती क्राइटेरिया है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को बैलेंसिंग एक्ट करना आता है। अगर एक जगह आप देखिए कि राज्यसभा जो सांसद राज्य को दी गई है मदन राठौड़ को राजस्थान में, पहले वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी की बगावत में थे विधानसभा चुनाव के दौरान, तब उनको कहा गया कि आप चुनाव ना लड़े और आपका ख्याल रखा जाए। जैसे ही राज्यसभा के चुनाव आए उनको मैदान में उतार दिया गया और अब वो राज्यसभा सांसद बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर ज्यादा बड़ा नुकसान दिखता है वहां पर बैलेंसिंग पावर बैलेंसिंग और वर्कर बैलेंसिंग करती है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में दिखता है तो वर्कर नहीं देता है। पर भारतीय जनता पार्टी को एक बात पता है कि अगर कोई चुनाव जीतता है तो वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ये चुनाव पर ही चुनाव जीत रहा है। इससे बहुत ज्यादा बगावत करना किसी भी वर्कर या किसी भी प्रत्याशी के लिए संभव नहीं हो पाता। अगर कोई ग्रामसूट या काडर का नेता है तब कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत है। बिल्कुल सही कहा आपने अदिति, और विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि झटका तो है कांग्रेस के लिए, वो भी लोकसभा चुनाव से पहले, जिसे लेकर कमर कस रखी है सभी पार्टियों ने। वैसे तो तमाम तरह की पार्टियां, अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां, लेकिन बड़ी पार्टियों का जब भी जिक्र आता है तब होती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब ऐसे में कांग्रेस अपने पुराने कांग्रेसियों को भी अगर नहीं बचा पा रही, अपने नेताओं को नहीं बचा पा रही, उनकी नाराजगी को दूर नहीं कर पा रही, तो ऐसे में बदलाव करने की जरूरत महसूस होती है। राहुल गांधी को इस बारे में सोचना चाहिए, राहुल गांधी जो कि इस आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं कि अगर हम इनको रोकेंगे तो ये कभी ना कभी जरूर जाएंगे, ऐसे में उनको जाने दीजिए, लेकिन इसका असर कांग्रेस को पड़ता है, इसलिए कई बार बदलाव की जरूरत महसूस होती है। अब देखने वाली बात होगी कि इससे कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा या फिर इन नेताओं को होगा। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेश जी, क्योंकि बड़ा झटका तो है कांग्रेस के लिए और सोचने की भी जरूरत है, मंथन की भी जरूरत है। अदिति से अभी चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी तो बस इस आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जिनको जाना है जाने दीजिए, लेकिन सच तो ये है कि फर्क पड़ेगा और अब तो नुकसान भी झेलना पड़ेगा। बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा कि भले ही ये राजनीतिक बयान हो कि कोई नेता जाता है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए अगर कद्दावर नेता जाते हैं पार्टी को छोड़ के तो बिल्कुल पार्टी पे फर्क पड़ता है, और वो भी तब जब कांग्रेस पिछले दो लोकसभा चुनाव से राजस्थान में खाता नहीं खोल पाई है, और इस बार भी अभी जिस तरह से कांग्रेस की तैयारी, हमें जो लचर तैयारी नज़र आ रही है उसको देख के अभी लगता नहीं कि कांग्रेस पूरी तरह चुनाव के मूड में नज़र आ रही है। तो ऐसे स्थिति में अगर कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल होते हैं तो बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और भाजपा के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में इसको देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए जो नाम है, जो ये नाम जो है ये छोटे नाम नहीं है, लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, लंबे समय तक इनकी एक अपने क्षेत्र में जो है इनका प्रभुत्व रहा है और उन्होंने जो लगातार है वो काम किया है। अगर हम बात करें लालचंद कटारिया की तो लालचंद कटारिया है, उनके पिता भी विधायक रहे थे, लालचंद कटारिया है, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं राजस्थान सरकार में, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, दिग्गज जो जाट नेता माने जाते हैं जयपुर ग्रामीण से आते हैं, झोटवाड़ा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, आमेर का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, तो ऐसे में इनका जाना जो है वो एक राजनीतिक संदेश है। इसके साथ ही अगर हम बात करें राजेंद्र यादव की, जिनका नाम भी सूची में बताया जा रहा है, वो गृह राज्य मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, कोटपुतली को जिला बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आलोक बेनीवाल जो निर्दलीय विधायक थे, कांग्रेस की टिकट मिली, पूर्व राज्यपाल के बेटे हैं, पूर्व मंत्री के बेटे हैं, तो ये तमाम जो चेहरे हैं। अगर हम नागौर के क्षेत्र की बात करें, मिर्धा परिवार, जिस तरह से ज्योति मिर्धा को पहले कांग्रेस से भाजपा में लिया गया था, उनको पहले विधानसभा की टिकट दी, फिर लोकसभा की टिकट दी, और अब जो कांग्रेस के बाकी कुछ बचे नेता है उनमें से विजयपाल मिर्धा और ईशपाल मिर्धा आते हैं, तो यह कांग्रेस की
कमर तोड़ने जैसा कह सकते हैं इसको, ये प्रहार होगा। अगर हम भीलवाड़ा की तरफ चले, रामपाल शर्मा का नाम आ रहा है जो लोकसभा चुनाव लड़े थे कांग्रेस की टिकट पे। इसके अलावा खिलाड़ी बेरवा जिनका टिकट काटा था कांग्रेस ने, वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो करौली धौलपुर की जो राजनीति है उसके इर्द गिर्द इसका असर आएगा, क्योंकि वो जो ऐसे आयोग है उसमें उन्होंने भूमिका निभाई थी। और एक जो कह सकते हैं राजनीति में देखिए समाज जाति है इनका एक महत्वपूर्ण समीकरण होता है और इसी आईने से इसको देखा जाता है। तो जिस तरह के नेता शामिल हो रहे हैं, अगर हम सेवा दल की बात करें जो कांग्रेस में कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी होती है कांग्रेस की, सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष अगर जो है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो एक बड़ा झटका है। तो इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाँ जिसको जाना है वो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ता है नरेश जी, आप जब नाम सामने आ ही गया है तो उन बयानों का या फिर उस वक्त का जिक्र भी कर लेते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर कोई बता नहीं पाएगा। क्योंकि जो कांग्रेस नहीं नोटिस कर पाई वो आपने नोटिस किया, फर्स्ट इंडिया ने नोटिस किया, उन बयानों का भी जिक्र कर लेते हैं जब नाराजगी चल रही थी नेताओं की कांग्रेस से। बिल्कुल देखिए, ये जो घटनाक्रम है ये आज का घटनाक्रम नहीं है। आप जाइए विधानसभा चुनाव से पहले का, जब से नाराजगी चल रही है। लालचंद कटारे की बात करें तो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और तभी उनका ये संकेत साफ साफ हो गया था कि अब कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया है। और इसके अलावा अगर बात करें, हालांकि कुछ नेताओं को टिकट मिली थी, लेकिन जिस तरह से जो उनको उन्होंने बाद में पाला बदलने की जो उनकी रचना बनी थी, उनकी व्यूहरचना बनी थी, रणनीति बनी थी, वो भी हमने सबसे पहले बताई थी। हालांकि ये पूरा जब महेंद्र जीत सिंह मालवीय जब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे थे तभी इन नामों की भी चर्चा चली थी, लेकिन कुछ समय के लिए हो सकता है रणनीतिक रूप से इसको टाल दिया गया हो। लेकिन आप टाइमिंग देखिए, एक तरफ वागड़ के क्षेत्र में एक दिग्गज नेता को लिया गया है, तो अब राजधानी जयपुर से सटे या जयपुर जिले के आसपास के जो नेता है, नागौर के नेता है, उनको अब भाजपा में शामिल किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं एक रणनीति का हिस्सा है कि एक साथ नेताओं को शामिल ना करके समय समय पर जब जरूरत हो और जब लगे कि अब कांग्रेस को झटका देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, इनकी टिकट अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं की है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्या इनमें से किसी नेता को टिकट मिलेगी भाजपा की या कोई गारंटी दी गई है, लेकिन हाँ ये कयास जरूर लगा जा सकता है कि जब इतने बड़े नेता शामिल हो रहे हैं और इनको इनका देखिए, ये जो नेता है ये अमूमन कांग्रेस की राजनीति की एक अलग ग्रुप है, ये अमूमन साथ रहता है, चाहे लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रामपाल शर्मा, आलोक बेनीवाल और सुरेश चौधरी, ये एक पूरा ग्रुप है। तो इसके अलावा राहुल गांधी अभी यात्रा कर रहे हैं और ये 2.0 है उनकी यात्रा का, क्या कदम ताल करते वक्त हाथ से हाथ किसका छूट रहा है, क्या ये जानकारी नहीं मिल पाई राहुल गांधी को, या फिर इतनी सर्वे मॉनिटरिंग फीडबैक नहीं मिल पाया, कहां कमी रह गई? संदेश तो पहुंच गया था जब महेंद्र जीत मालवीय का भाजपा में जाना तय हुआ था तभी पहुंच गया था। और राजस्थान में दो बार इस यात्रा के दौरान दो बार राहुल गांधी आए हैं और हर वक्त, चाहे यात्रा से पहले हो, यात्रा के दौरान हो, या यात्रा के बाद कांग्रेस को झटका लगा है। पहले महेंद्र जीत मालवीय जो है वो शामिल हुए थे और अब चूंकि दो दिन पहले ही जो राहुल गांधी है वो राजस्थान में आए थे, बांसवाड़ा में आए थे, तो एक बार फिर उनके जाते ही फिर कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया जा रहा है। अब बड़ी चीज़ ये है कि इससे आने वाले समय में चाहे नागौर की राजनीति हो, चाहे जयपुर की राजनीति हो, जयपुर ग्रामीण की हम बात करें, आसपास के इलाकों की बहुत हो, या किसान कौम जो कहते हैं कि जो हम अगर बात करें जाट वर्ग की बात करें, तो इनके नेता अगर भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इनका कितना असर पड़ेगा, इस पर विश्लेषण करना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कांग्रेस को कोई फैसला करती है तो